दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है उसके अगले इलस्ट्रेशन वहाँ पे अपन देख लेंगे। तो आ जाओ जल्दी से आप लोगों के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 259 इलस्ट्रेशन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को क्या बोला है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम। ओके, तो वो हम लोगों मैं आप लोगों को दो मिनट में आप एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान देना। तो पहला उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को दिया नीचे पार्टनर्स ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। निर्जा पब्लिशिंग हाउस नाम का एक वहाँ पे बिजनेस है, नरीमन पॉइंट मुंबई, समीर गुप्ता ड्रॉज अ बिल। ओके, मतलब उसका ओनर कौन है वहाँ पे, बोलो समीर गुप्ता है। तो इन्होंने वहां पे क्या किया मुझे बोलो जल्दी से, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया है। तो हमेशा याद रखना, जो भी पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है वो कौन होता है मुझे वहां पे बोलो बच्चों जल्दी से, ड्रॉवर होता है, ठीक है। तो ये अपना वहां पे कौन होगा, समीर गुप्ता ड्रॉवर वहां पे बन जाएंगे। ये जो निर्जा पब्लिशिंग हाउस वगैरह अपने वहां पे कौन बन जाएंगे बोलो, ड्रॉवर बनेगा। और उन्होंने ये कितने महीने के लिए वहां पे ड्रॉ किया, फॉर वन मंथ, कब किया, 9 फरवरी 2020 को। कितने के लिए, 462,000। ऑन किसके ऊपर मुझे बोलो, नम्रता कोकिल पनवेल रोड खारगर। ओके, तो ये कौन हो गया मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, ये अपने वापे ड्रॉवी बन जाएंगे। ये कौन बन जाएंगे मुझे बोलो, वापे ड्रॉवी बन जाएंगे, ठीक है। पेएबल टू मेसर्स विद्या ट्रेडर्स नोना हुआ, मतलब ये वापे अपने पेई बन जाएंगे। ये कौन बन जाएंगे मुझे यहाँ पे बोलो, पेई बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन में वापे हम लोगों को उन्होंने ड्रॉवर भी दिया है, ड्रॉवी भी दिया और पेई भी दिया है। लेकिन ये जब भी उसने वहां पे एक्सेप्ट किया ड्रॉवी ने, तो वो उसने वहां पे 2 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट किया। अभी ध्यान देना सुनो, यहाँ पे बिल कितने महीने के लिए बनाया गया था, 1 मंथ के लिए यहाँ पे बिल बनाया था, लेकिन एक्सेप्ट कब हुआ, वो 2 मंथ्स के लिए वो उसने बिल वहां पे एक्सेप्ट किया। मतलब ड्रॉवी ने वहां पे बोला कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए वहां पे मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, ठीक है। अभी देखो हम लोगों को क्या करना है मुझे बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना है। बहुत सिंपल है, ध्यान दो, जब भी आप वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाओगे बराबर, बीच में क्या आएगा आप लोगों का बोलो, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा। पिछले लेक्चर देख लेना, उसके अंदर बहुत डिटेल में वहां पे मैंने बोला हुआ है। राइट में वहां पे क्या आएगा मुझे बोलो, ड्रॉवर की नाड़ आएगी। ड्रॉवर की नाड़ मतलब ड्रॉवर का नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस भी दिन वहां पे ड्रॉवर ने वो बिल को बनाया उस दिन का वहां पे डेट आएगा। लेफ्ट में क्या आएगा, स्टैंप आएगा, उसके नीचे आएगा अमाउंट इन फिगर, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मेट है दोस्तों, वो आप लोगों के बोर्ड के एग्जामिनेशन में वहां पे आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो प्लीज ये फॉर्मेट को आप थोड़ा सा सिंसियरली देखना, ओके। अभी उसने बनाते टाइम वहां पे क्या किया था, 1 मंथ का पीरियड था, तो 1 मंथ आफ्टर डेट पे टू। अभी देखो यहाँ पे पेई दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन में, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पेई का नाम यहाँ पे लिख दिया। अगर पेई का नाम नहीं रहता तो क्या रहता, पे टू मी और माई ऑर्डर, ऐसे वहां पे आया रहता, ठीक है। और देयर ऑर्डर सम ऑफ रुपीज कितना, 62,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये अपना एकदम बेसिक वाली चीज हो गई, ओके। हमेशा याद रखो, पहला क्या आता है तुम्हारा, डैश आफ्टर डेट, ओके, पे टू मी और माई ऑर्डर, ये यहाँ पे पेई का नाम रहेगा, तो वो द सम ऑफ रुपीज इन अमाउंट लिखना है आपको एंड फॉर द वैल्यू रिसीव, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा वहां पे बोलो, ड्रॉवर का नाम और उसका सिग्नेचर, ड्रॉवर का नाम और उसका सिग्नेचर आएगा, ओके। ड्रॉवर का नाम एंड सिग्नेचर, मतलब ऊपर साइन और नीचे उसका नाम लिख देना, ओके। फिर लेफ्ट साइड में क्या आएगा बोलो, यहाँ पे ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस, ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस, ये किसका होता है, यहाँ पे ड्रॉवी का होता है, समझ में आ रहा है ना। फिर ड्रॉवी क्या करेगा, उसको बोले यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, तो उसका सिग्नेचर लिखेगा। अभी यहाँ पे अगर आपने देखा था ऊपर, तो वहां पे आपको ध्यान में आया होगा कि ये बिल ड्रॉवर ने बनाया था 1 महीने के लिए, लेकिन ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कितने महीने के लिए किया मुझे यहाँ पे बोलो, 2 मंथ्स के लिए वहां पे ड्रॉवी ने उसको एक्सेप्ट किया, समझा क्या, 1 मंथ के लिए एक्सेप्ट किया ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे उसने क्या लिखा है बोलो, एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। ऐसा क्यों लिखा समझा क्या, क्योंकि ये अपना क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम है, ओके। तो जब भी ऐसा होगा तो वहां पे स्पेसिफिक आएगा, यहाँ पे ड्रॉवी का नाम आएगा और नीचे ड्रॉवी ने जिस भी दिन वो बिल को एक्सेप्ट किया है वो क्या रहेगा बोले, यहाँ पे डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, जिस भी दिन ड्रॉवी ने वो एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को दिया उस दिन का यहाँ पे डेट आ जाएगा, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वालिफाइड एज टू टाइम में वहां पे अलग क्या था दोस्तों, सिर्फ ये जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया ना, ये वाली चीज वहां पे अलग थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। घर पे जाके पक्का ये फॉर्मेट को करोगे ना अच्छे से, एक बार फॉर्मेट वापस बोलू, बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट में ड्रॉवर की नाड़, मतलब ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ओके। लेफ्ट में स्टैम्प, नीचे अमाउंट इन फिगर, समझ में आया क्या। फिर नीचे डैश आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, या पे ही रहेगा तो वो फिर क्या आएगा वहां पे, सम ऑफ रुपीज डैश 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 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फिर नीचे राइट साइड में ड्रॉवर का
वहां पे नेम और उसका सिग्नेचर, ओके। फिर लेफ्ट साइड में टू, ड्रॉवी का नेम एड्रेस, फिर ड्रॉवी उसको एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवी का सिग्नेचर, ड्रॉवी का नाम और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, और उसके नीचे अगर कोई क्वालिफाइड रहेगा तो वो वहां पे आप लिखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइम वाला था तो आपने टाइम वाला यहाँ पे लिख दिया, अगर अमाउंट रहता तो अमाउंट लिखा होता, समझा। बहुत ईजी है, चलो नेक्स्ट। आगे सिक्स्थ वाला देखो, प्रिपेयर क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये डिमांड बिल है, ठीक है, अभी ध्यान देना। डिमांड बिल में वहां पे दोस्तों क्या होता है मालूम है क्या, कि वहां पे हम लोगों का है ना, जिस भी दिन ड्रॉवर वो पैसा मांगेगा ड्रॉवी को, उस दिन पे ड्रॉवी को ड्रॉवर को वो पैसे को पे करना पड़ेगा, उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, डिमांड बिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉवर को ने बोले यहाँ पे केदार पंडित 22-1 कालपत्रु स्टेट पिरंगुट पुणे, ठीक है। ये कौन है, बोले ड्रॉवर है। ड्रॉवी को ने गौरी मुए वाशी नवी मुंबई, ठीक है। डेट ऑफ बिल उन्होंने वहां पे दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस उन्होंने वहां पे दिया। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस भी दिन वहां पे ड्रॉवी ने उसको एक्सेप्ट किया वो। डेट ऑफ बिल मतलब क्या, वो ड्रॉवर का यहाँ पे आएगा। यानी अमाउंट मतलब क्या, मुझे यहाँ पे बोलो ऑब्वियसली जितने भी अमाउंट के लिए वहां पे ड्रॉवर ने बिल को ड्रॉ किया वो आएगा। अभी वापस बीच में क्या आएगा बोलो यहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट में क्या आएगा, ड्रॉवर की नाड़। याद रखना, ड्रॉवर की नाड़ मतलब ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल ड्रॉन। देखो ये डेट ऑफ बिल ड्रॉन मतलब डेट ऑफ बिल रहता है, समझा क्या। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस भी दिन रॉबी ने उसको एक्सेप्ट किया वो रहेगा। फिर लेफ्ट साइड में यहाँ पे स्टैंप आएगा, नीचे अमाउंट इन फिगर आएगा, समझा। फिर अभी अभी देखो सुनो, यहाँ पे डैश डैश आफ्टर डेट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिमांड बिल है। कौन सा बिल है बोलो, डिमांड बिल है। अगर आप देखोगे तो डिमांड बिल में वहां पे आप लोगों का पीरियड रहता नहीं है। डिमांड बिल में देखो ना, यहाँ पे दिया है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, कुछ नहीं, तो डिमांड बिल में पीरियड नहीं होगा वहां पे, समझा। इसलिए वहां पे अलग क्या है क्वेश्चन में, ऑन डिमांड पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ रुपीज, जो भी है। अभी सम ऑफ रुपीज कितना है, 38,740। देखो सम ऑफ रुपीज 38,740 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, समझा। तो डिमांड बिल में ये अलग था, ऑन डिमांड पे टू मी, समझा क्या। नॉर्मली ऊपर कैसे था अपना, डैश डैश आफ्टर डेट, देखो ना यहाँ पे 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर साइट, ऐसे वहां पे रहता है। लेकिन डिमांड के केस में वहां पे क्या रहेगा, तुम्हारा ऑन डिमांड, खत्म, बात समझा क्या, नहीं समझा। इतना वहां पे बस चेंज है, राइट। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे अलग था। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉवर का सिग्नेचर एंड ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का सिग्नेचर एंड ड्रॉवर का नाम, क्योंकि ड्रॉवर ने इसको बनाया, केदार पंडित ने बनाया। फिर अपन उसको किसको भेजेंगे, ड्रॉवी को भेजेंगे। तो ड्रॉवी का नेम, ड्रॉवी का एड्रेस और फिर यहाँ पे डेट, ओके। ड्रॉवी का नेम एड्रेस यानी यहाँ पे अगर चाहिए तो आप वहां पे डेट भी लिख सकते हो। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ओके। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, ध्यान देना। फिर यहाँ पे ड्रॉवी क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर क्या करेगा, ड्रॉवी वहां पे लिखेगा बीच में एक्सेप्टेड, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉवी का नाम और डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस, जिस भी दिन वहां पे बिल को उसने एक्सेप्ट किया है उस दिन का वहां पे हम लिख देंगे। बोलो समझा क्या, नहीं समझा, ध्यान में आ रहा है। एक्चुअली मैं अगर आपको बोलूं तो दोस्तों, तो यहाँ पे ये डेट नहीं आना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वहां पे डेट नहीं आना चाहिए, ओके। यहाँ पे सिर्फ ड्रॉवी का नेम और एड्रेस ही आता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ना वो नीचे ही आता है सिर्फ, समझा क्या, नहीं समझा। अगर आप देखेंगे तो अपन अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन वहां पे आप लोगों के साथ मैंने वहां पे डिस्कस किए हुए, सारे क्वेश्चन में यहाँ पे कभी भी डेट आया हुआ नहीं था, तो अपन भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, समझा। सिर्फ क्या आएगा, ड्रॉवी का नेम और ड्रॉवी का एड्रेस वहां पे आ जाएगा। क्लियर है क्या, मुझे बताओ, ठीक है। तो आप लोगों को ये दो चीजें वहां पे जरूर लिख के लानी है, मैं वापस बोल रहा हूँ, पक्का लिखोगे ना, यस और नो में मुझे जल्दी आंसर दो, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया यहाँ पे, ध्यान देना। आगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट दिया है, ठीक है। देखो कभी कभी आप लोगों को आप एग्जाम में ना बिल ऑफ एक्सचेंज का भी फॉर्मेट आता है, कभी कभी आप लोगों को आप प्रॉमिसरी नोट का भी फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेट आया तो बिल्कुल भी आप घबराने का क्या बोलो, नहीं घबराने का, बहुत ईजी है, ध्यान दो। अभी देखो बीच में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखते थे बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे लिखोगे प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। अभी आपको ये पता है ना दोस्तों कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में वहां पे एक बहुत बड़ा या मेजर डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, तो देखो दोस्तों जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, ध्यान देना, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना बच्चों, ये बनाता कौन है मुझे बताओ, ये वहां पे सेलर या ड्रॉवर बनाएगा, ये कौन बनाएगा बोलो, सेलर या ड्रॉवर बनाएगा, समझा क्या। बट प्रॉमिसरी नोट के केस में उल्टा होता है, भला क्या, जो भी अपना वहां पे प्रॉमिसरी नोट रहेगा नहीं, हमेशा और हमेशा वहां पे बायर बनाएगा, समझा क्या। मतलब जैसे मान लो मैंने आपके पास से वहां पे किसी गुड्स को उधारी पे लिए, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बाबा इतने टाइम बाद मैं आप लोगों को आप पैसा दे दूंगा करके, तो प्रॉमिसरी नोट हमेशा कौन बनाएगा, बायर बनाएगा, समझा ना, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो जो भी पर्सन प्रॉमिसरी नोट बनाता है उसको अपन वहां पे बोलते हैं प्रॉमिसर, क्या बोलते हैं बोलो, प्रॉमिसर बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉमिसर खुद का नाम है, जो कस्टमर है उसका नाम है, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, प्रॉमिसर का नाम,
प्रॉमिसर का एड्रेस और जिस भी दिन वहां पे प्रॉमिस कर रहा है वो, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बोलो, प्रॉमिसर की नाड क्या आएगा बोले यहाँ पे, प्रॉमिसर की क्या आएगी बोले यहाँ पे नाड आएगी। समझ में आ रहा है आपको, प्रॉमिसर की नाड मतलब नाम एड्रेस यानी डेट, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने लिख दिया। लेफ्ट साइड में स्टैंप यानी अमाउंट इन फिगर, ये तो कॉमन है। अभी आगे यहाँ पे जो भी पीरियड रहेगा डैश डैश आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे, समझा, मैं बना रहा हूं, मान लो मैं प्रॉमिसर हूं तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं क्या कि इतने दिनों बाद डैश डैश आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे। फिर वहां पे जिसको भी हमको पे करना है, किसको, जैसे मान लो बीना शर्मा यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है बोलो, पे ही का नाम रहेगा प्रॉमिसर, या इसको अपन वहां पे प्रॉमिस ही भी बोल सकते हैं। ओके, मतलब माई मिस्टेक, मैं आपको ये बोल रहा था कि जैसे मान लो मैं प्रॉमिसर हूं तो आप कौन बन जाएंगे, प्रॉमिस ही बन जाएगी या पे ही बन जाएगी, समझा क्या। ओके, तो वहां पे आपका नाम आएगा, ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना आपको देने का, तो डैश डैश आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे यू और यूर ऑर्डर, मतलब आपको या आप जिसको भी बोलोगे उसको मैं पे करूंगा, द सम ऑफ रुपीज 20,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, खत्म। यहाँ पे सिग्नेचर किसका आएगा बोलो, ऑब्वियसली प्रॉमिसर का, हमेशा याद रखो जो भी बनाएगा ना उसका सिग्नेचर आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अरे मैं प्रॉमिस किसको कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ, मान लो आपका नाम वहां पे रवीना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रवीना और आपका एड्रेस वहां पे मैं लिख दूंगा। अगर आपका नाम मान लो अंकुश है तो यहाँ पे अंकुश और आपका नाम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, समझा क्या, बस इतना डिफरेंस है। एक बार वापस बोलता हूँ, ध्यान देना, ऊपर आएगा प्रॉमिसर नोट, राइट में आएगा प्रॉमिसर की नाड, प्रॉमिसर का नाम, प्रॉमिसर का एड्रेस, प्रॉमिसर जिस दिन भी वहां पे बिल को बना रहा है वो, लेफ्ट साइड में स्टैम्प, नीचे अमाउंट इन फिगर, फिर आगे नीचे डैश डैश आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे यू और यूर ऑर्डर द सम ऑफ रूपी डैश डैश फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, राइट साइड में नीचे प्रॉमिसर का नाम और उसका सिग्नेचर, लेफ्ट साइड में प्रॉमिसी का नाम उसका सिग्नेचर, सॉरी प्रॉमिसी का नाम और उसका एड्रेस, प्रॉमिसी का नाम और उसका एड्रेस, समझा, ध्यान में आया पक्का। यहाँ पे एक्सेप्टेड वगैरह कुछ आएगा क्या मुझे बोलो, आंसर इज नो, एक्सेप्टेड सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में आते हैं, प्रॉमिसर नोट में आता नहीं है। ओके, तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वहां पे कंसेप्ट था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में वहां पे हम लोगों ने दो क्वेश्चंस देखे, आई नो लेक्चर बहुत छोटा हो गया, डोंट वरी, बट वहां पे अपन ने दो क्वेश्चंस देखे और फॉर्मेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट वहां पे अपन ने देख लिया, ठीक है। जो भी मेरा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा वो लेक्चर में मैं आप लोगों को आप जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है बिल ऑफ एक्सचेंज के वगैरह, तो ये सारी चीजें वहां पे अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यस, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे लेक्चर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, फ्री है वो, ओके। और वहां पे सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लेक्चर जब भी अपलोड हो जाएगा तभी का, तो आप लोग वहां पे प्लीज सब्सक्राइब करो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करो कि आपको ये लेक्चर में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाकी की जो भी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।